जय हिंद दोस्तों, मैं आरक्षक उज्जवल दीवान जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। आज मैं पुलिस विभाग के आरक्षक कर्मचारियों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को किस प्रकार से अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है उस बात को आप लोगों के बीच में रखने के लिए आया हूं। और कागजात के आधार पर मैं बात करूंगा, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं बात करूंगा। अभी कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना की इस गंभीर बीमारी के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री महोदय जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में शासकीय कर्मचारियों से एक दिन का वेतन दान करने की अपील की, स्वेच्छा से दान करने की अपील की। लेकिन मैंने दान करने के लिए असहमति जताई और उसके लिए अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र दिया। मेरे उस पत्र देने के परिणाम स्वरूप मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेरे अकेले की पोस्टिंग सिंगल आदेश निकाला है भरे कोरोना काल में कि नक्सल क्षेत्र के लिए, यहां से 100 किलोमीटर दूर जो नक्सल क्षेत्र है वहां के लिए। आदेश निकला 26/4/2021 को आदेश निकला है लगभग 11:30-12 बजे के आसपास, और आधे घंटे के अंदर 12:20 पर मुझे एक फोन आता है 12:25 पर कि आपको नक्सल इलाके में जाना है और आपकी ड्यूटी सर्टिफिकेट कट गई है, आप आइए और ले जाइए। जबकि ये आदेश मेरे को आज दिनांक 27/4/2021 को शाम को 18:45 मतलब 6:45 बजे दिया गया, लेकिन मेरी ड्यूटी सर्टिफिकेट 24 घंटे से पहले हो गए कटे हुए और ये नहीं बताया गया कि उस 100 किलोमीटर की दूरी के लिए मैं कैसे जाऊंगा। ना तो बसें चल रही हैं, ना कोई साधन है, ना किसी प्रकार का सरकार के द्वारा या मेरे विभाग के द्वारा मेरे को कोई साधन दिया गया। गृह मंत्री के आदेश से छुट्टियां निरस्त कर दी गई, मैंने अपने इलाज के लिए छुट्टी लिया है, ये पुलिस अधीक्षक महोदय ने ही दिया है मेरे को छुट्टी अपने इलाज के लिए, और ये छुट्टी मिली 8 तारीख से, लेकिन मैं अभी तक छुट्टी नहीं गया हूं। क्यों? क्योंकि अभी राज्य में ड्यूटी सख्त चल रही है, परिस्थितियां विपरीत हैं और इन्होंने मेरा सिंगल आदेश कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना वेतन नहीं कटवाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। इस प्रकार हमेशा, और फिर मैं कल पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया कि सर मेरी बात सुन ले, तो मेरे पहुंचने से पहले सर ऑफिस से चले गए थे, तो मैं अपना जो पत्र लेकर गया था उस पत्र को देने के लिए ऑफिस में 2-2.5 घंटे इंतजार किया, लेकिन वहां पर सख्त मना कर दिया गया है कि पत्र नहीं लेना है। मेरे द्वारा पत्र दिया जा रहा है लेकिन वहां लिया नहीं जा रहा ऑफिस में। कल मैं इतना परेशान हुआ, मैं आज पुनः गया, आज भी 3-4 घंटे मैं ऑफिस में बैठा रहा, मेरा पत्र फिर नहीं लिया गया, मुझे दूसरे कार्यालय भेजा गया, वहां लेंगे, वहां जिस कार्यालय में भेजा गया उस कार्यालय द्वारा बताया गया कि आप तो यहां की स्टाफ नहीं है, आपका पत्र नहीं लिया जाएगा। सारा दिन मैं परेशान हुआ, उसके बाद मैं अपना इस्तीफा लिख दिया, तंग आकर मजबूरी में मैंने इस्तीफा लिखा। अब मेरा इस्तीफा भी मेरे अधिकारी नहीं ले रहे हैं, मेरे ऑफिस वाले नहीं ले रहे हैं। अभी मैं जहां जिस जगह पे मेरी पहले तैनाती थी वहां से मेरे को ड्यूटी सर्टिफिकेट देकर रवाना कर दिया गया है, और जहां मुझे जाना है वहां जाने के लिए साधन नहीं है। वर्तमान में तो मैं सिर्फ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के और पुलिस अधीक्षक महोदय के अधीन रह गया हूं, लेकिन मेरी बात वही नहीं सुन रहे हैं। जिला के मुखिया होने के नाते अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी बात कौन सुनेगा। इस प्रकार से हम कर्मचारियों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम अपने हक की बात करते हैं, हम अपने अधिकार की बात करते हैं, तो लगातार अधिकारीगण प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं, और इन्हीं प्रताड़नाओं से तंग आकर हमारे कई जवान आत्महत्या कर चुके हैं और कई ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। मैं तो थोड़ा हार्ड था तो मैं नहीं किया, लेकिन तंग करने का जो इनका तरीका है ये सदियों से चला आ रहा है। 1861 के पुलिस रेगुलेशन का ये हमेशा दुहाई दे देकर हम जैसे कर्मचारियों को परेशान करते हैं। कोई बोलता है, कोई नहीं बोल पाता, जो बोलता है उसको अलग से प्रताड़ित किया जाता है। मेरा मेज का पोस्टिंग हुआ है सर, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ही नहीं है वैसी, और पूर्व में मैं उस जगह तैनाती काट के आया हूं। जो नहीं गए उनको भी भेज सकते थे आप, और ऐसा कौन सा मैं काम कर दिया जिससे मेरे को अकेला भेजना पड़ रहा है, और जिन लोगों का 6-8 महीना पहले आपने पोस्टिंग किया है उनको अभी तक आप रवानगी नहीं दिए हैं, और 5-10 मिनट के अंदर आप मेरे को आदेश जारी करके रवानगी डलवा देते हैं मेरी जानकारी के बगैर।
मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र देता हूं तो मेरे से स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें, ये कि आप डायरेक्ट मुझे पत्र कैसे दिए। सर आप मेरे मुखिया हैं, आपको पत्र नहीं दूंगा तो किसको पत्र दूंगा, मैं अपनी परेशानी आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, इस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं आप उनको। हम आज अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे आरटीआई से जानकारी मांग रहा हूं तो आपको तकलीफ होने लग जा रही है। जब आप लोग शोषण करते हैं हमारा तब तो हम नहीं बोले, जब हम सरकारी ड्यूटी अपने पैसों से करते हैं तब तो हम नहीं बोलते, तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। जबकि शासकीय गाड़ियां आपके बच्चों को घुमा रही है, आपके घर वालों को घुमा रही है, अपने बंगलों में आप लोग 30-30, 40-40 पद के अनुसार 15-20 जवानों को रखा हुआ है, 20-25 हजार की सैलरी, 30 हजार की सैलरी वाले जवान, आपकी खुद की सैलरी, सर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपकी खुद की सैलरी होती है 1-1.5 लाख रुपए की, आप काम करने वाले कामगार नहीं रख सकते, जवानों का शोषण करते हैं, अपने घर में उनसे झाड़ू पोछा बर्तन करवाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती है? इतने बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं आप लोग, आप लोगों का तो रिकवरी होना चाहिए सर नियम से। शासन उन जवानों को भर्ती करती है अन्य ड्यूटियों के लिए, जनरल ड्यूटियों के लिए, आपके बंगलों में काम करने के लिए नहीं होते सर वो, तब आपका नियम कायदा कानून कहां चला जाता है? जबकि साफ शब्दों में मैंने यहां पे सूचना के अधिकार से लिया हुआ है सर, दिखाता हूं मैं, सूचना के अधिकार से शासकीय गाड़ियों का उपयोग सिर्फ शासकीय कार्यों से होगा, ये PHQ से मेरे को शासकीय कार्यों के लिए ही उपयोग होगा, शासकीय गाड़ियों का उपयोग मिला है मेरे को, यहां पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग शासकीय गाड़ियों का उपयोग अपने घर वालों के लिए भी करवाते हैं, लेकिन हम जवानों को ड्यूटी के लिए गाड़ी देने की बारी आती है तब आप लोग पीछे हट जाते हैं। आज तक कितने जवानों को आप लोगों ने संबंध वाली तामील करने के लिए और नोटिस तामील करने के लिए पेट्रोल डीजल दिया बताइए? आज पूछ रहा हूं सर, रिजाइन दे दिया हूं मैं विभाग से, नहीं डरता अब किसी से, और विभाग से जाने के बाद भी मैं अब अपने कर्मचारी भाइयों के लिए आखिरी तक लड़ूंगा चाहे कोई भी परिस्थिति आए, इस प्रकार का प्रताड़ना नहीं है। यहां पर लिखा है साफ शब्दों में गाड़ी की व्यवस्था होती है और गाड़ियों का उपयोग सिर्फ शासकीय कर्मचारियों के उपयोग के लिए होता है, शासकीय ड्यूटी के लिए। जवानों को यहां पर किसको कितनी पद जवानों की पात्रता, इसमें साफ शब्दों पे लिख के दिया गया है PHQ से कि जवानों को उनसे ऐसा कोई कार्य नहीं लिया जा सकता, लिखा है इसमें ऐसा कोई कार्य नहीं लिया जा सकता जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नीचे होने की संभावना हो, और आप उनसे झाड़ू पोछा बर्तन करवाते हैं। आज मैं प्रत्यक्ष इन चीजों को देखा हूं और किया हूं, मैं ये ड्यूटियां किया हुआ हूं तो मुझे किसी की सफाई की भी जरूरत नहीं है, और आज अपने 2-3 साथियों से भी बात किया जिन्होंने ये सब ड्यूटियां की है, और आप लोग अपने घरों में कुत्ता चरवा रहे हैं, उनसे खेती करवा रहे हैं, कोई घास उखड़वा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, माली भर्ती कीजिए, मालियों को लाइए अपने घरों में रखिए ना सर, ये सब काम कराने आपके घर के डस्टिंग करने के लिए है क्या जवान आपके घरों में बर्तन धोने के लिए है? शर्म आनी चाहिए सर, आप लोग इतने बड़े पदों में बैठे हुए हैं और कर्मचारियों का शोषण करते हैं, अपनी बात रखने के लिए हमको मौका नहीं दिया जाता है। आज मैं 2 दिन से घूम रहा हूं, कल भी घूमूंगा, लगातार 3-4-5 दिन तक घूमूंगा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। जब मेरी बातों को आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप लोग उस पदों में बैठ के काहे के लिए अपना तमाशा करवाने के लिए बैठे हैं? सोशल मीडिया का युग है, पहले दबा लिया आप लोगों ने जितना दबाना था, अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं अपने अधिकार और अपनी चीजों के लिए बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, और अब मैं ये करूंगा और हमेशा करूंगा। और आप लोग जितने नियम कायदे कानून तोड़े हैं, आप लोग जो महीने में 15-20-10 जवानों को रखते हैं जिनका 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी बनती है, अब आप लोग दीजिए शासन को, आप लोग की तो रिकवरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए और पूरी तरीके से होनी चाहिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि जवानों का शोषण कैसे होता है और क्या होता है। अपने बंगलों में जब जवानों को रखते हैं उसका अधिकार नहीं है आपको, यहाँ पे लिखित में दिया गया है मेरे को, तब भी तो आप रख रहे हैं ना। नियम कायदे सिर्फ जवानों के लिए होते हैं, नीचे स्तर के हम अपनी बात नहीं रखेंगे क्या सर? सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए आप लोग आए हुए हैं 1861 का पुलिस रेगुलेशन को लेके? समय के अनुसार संशोधन किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, नहीं हो रहा है तो हमारा लगातार शोषण हो रहा है। बेचारे कई जवान आत्महत्या कर लिए आप लोगों को शोषण से परेशान होकर, कई जवान बेचारे घुट घुट कर जिंदगी जी रहे हैं जो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को नीचा गिराकर अपना जमीन बेच के नौकरी नहीं कर सकता। शासन की नौकरी अपने दम पर लगा था, पुलिस विभाग मेरा पैशन था, मैं ड्यूटी करना चाहता था, लेकिन मुझे आप लोगों ने न ड्यूटी करने दिया ठीक से, न इतना परेशान किया
कि अब परेशान होने के बाद, इतना डिस्टर्ब होने के बाद आज मेरे को सिर्फ पत्र देने के नाम से इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पत्र दे रहा हूं तो उसको पत्र को एक्सेप्ट करके कोई मेरी पावती नहीं दे रहा है। सर मैं पत्र दिया हूं करके कैसे माना जाएगा अगर पावती नहीं देंगे तो? और मेरी बातों को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है? मेरे जैसे कई जवान हैं जो परेशान हैं, और आप लोग इस तरह से प्रताड़ित करते हैं और उनको परेशान करके फिर उनको आत्महत्या के लिए आप लोग मजबूर करते हैं। 90% मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जवान आत्महत्या कर लेता है और आप लोग बोल देते हैं कि पारिवारिक कारण। सच्चाई से जांच की जाए ना सर, तब पता चलेगा कि क्या कारण था, मुख्यतः क्या कारण है। और ये मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं कि जवान क्यों आत्महत्या करते हैं, कितना डिप्रेशन में जाता है जवान। और आप लोगों को शर्म नहीं आती है, अपने घरों में 15-20 जवानों को रखे रहेंगे, अब उन सब चीजों के लिए आके बोलती है, क्यों नहीं बोलते आप लोग कि नहीं मैं तो 20 जवान अपने घर में रखा हूं, 15 रखा हूं, 10 रखा हूं, मेरी पोस्टिंग तो फलाना जगह है लेकिन 4 जवान मैं उस जगह पे रखा हुआ हूं अपने घर में। बोलिए ना सर, तब तो समझ में आएगा। आप लोग उस चीज को समझते ही नहीं है। हम लोग की परेशानियां परेशानियां नहीं है, सिर्फ आप लोगों की परेशानियां है। जो आप लोग को तो शर्म आना चाहिए, 500-200 हजार रुपए का नौकर नहीं रख सकते घर में, आप जवानों के ऊपर डिपेंड है। बस आज इतना ही कहना है, और आगे अब मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ पुलिस विभाग में, पुलिस तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा नौकरी छोड़ने के बाद, और डट के प्रयास करूंगा। अब तक तो मैं विभाग में था, नियमों कानूनों में बंधा हुआ था, अब लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए खुलकर विरोध करूंगा, गलत का विरोध पूरा खुलकर करूंगा। और शासन, ये प्रशासन नियम को नहीं रोक सकते, आप दबाने की भी कोशिश करेंगे तो भारत का संविधान है, भारत का कानून है, मैं उसका सहारा लूंगा। आप मेरा आज पत्राचार लेने से मना कर रहे हैं, कल मैं सिविल आदमी बनकर पत्र दूंगा, तब मैं देखता हूं आप मेरा पत्र लेने से कैसे मना करते हैं। अब तो मुझे पत्र देना ही है, हर तरीके से पत्र दूंगा, और हर उस गलत चीज के लिए पत्र दूंगा जो चीज मुझे गलत लगेगी। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने हेतु अब आप लोग सतर्क हो जाए, क्योंकि अब आप लोगों की तानाशाही नहीं चलेगी। मीडिया, सोशल मीडिया का युग है, और लोकतांत्रिक देश भारत में पैदा हुआ हूं मैं, मुझे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी है। पहले आप लोगों को जितना शोषण करना था आप लोगों ने कर लिया, अब करके देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।